आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। बुलंदशहर के खुर्जा में निजी स्कूल की मनमानी के चलते दो बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़ा। तो बच्चों को शिक्षित कराने के लिए किताबें और ड्रेस स्कूल खरीदने के लिए दबाव दे रहा था, तो वहीं परिवार इसको नहीं खरीद पाया। इसके चलते स्कूल संचालकों ने बच्चों को निकाल दिया। अब BSA साहब का इस पर अपना ही तर्क है। संबंध में स्पष्ट रूप से निर्देश है, इस तरह की कोई भी गतिविधि होगी तो अमान्य होगी। अब आपने संज्ञान डाला है तो इसका चेकिंग कराई जाएगी और इसको जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो भी की जाएगी। आगरा में बड़े मॉल में निवेश करने वाले आगरा के व्यापारी अब ठगी का शिकार हो गए। ताजगंज के TIT मॉल में आगरा दिल्ली के 50 निवेशकों ने 150 करोड़ रुपए खर्च कर यहां दुकानें खरीदी, तो दुकान खरीदते समय उनको प्रत्येक माह 40,000 रुपए दिए जाने की बात को कहा गया था, जो वायदा खोखला साबित हुआ। अब व्यापारियों ने धोखाधड़ी के खिलाफ DM से जाँच की मांग की है। उनका कहना है कि इनका फ्रॉड हुआ है, इनसे इन्वेस्टमेंट कराया गया, एक उनको लुभावनी चीजें बताएंगी जो कि जिसका अमल नहीं किया गया है, तो इसके हम लोग जांच कराएंगे और इनके कई इनके प्रस्ताव थे, कई इनकी रिक्वेस्ट थी, तो ये देखना पड़ेगा कि लीगली क्या चीजें टेनेबल हैं। हम लोग एक मैस्टर जांच पूरे प्रकरण की करा रहे हैं और अगर फ्रॉडलेंट इसमें साबित होगा देन वी लॉज एन FIR एंड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द कल्प्रिट्स। आगरा के पिनाहट में संपत्ति बंटवारे को लेकर भाइयों में विवाद हो गया, जिसमें पंचायत करने गए युवक को एक पक्ष ने अपना निशाना बनाकर घायल कर दिया, जिसको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, तो पुलिस ने पीड़ित पक्षों की तहरीर पर अब मामला दर्ज किया है। गाजियाबाद पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर चोरी की गई बाइकों को बरामद किया, तो वहीं भोजपुर इलाके से इनको पकड़ा गया। ये लोग चोरी के बाद बाइक का इंजन और चेसिस नंबर बदल देते थे। इस गिरोह में बाइक मैकेनिक और कबाड़ी भी शामिल थे। कुछ ऐसे प्लेसेस को ट्रेस आउट करते थे जिसमें जैसे कोचिंग सेंटर है, हॉस्टल्स है, जहां ओनर का ध्यान दूसरी तरफ रहता था, वहां उसको इस तरह से धोखा देने में और चोरी करने में इनको आसानी होती थी, इस तरह से कृत करते थे। अपनी मैकेनिकल स्किल के कारण से ये इसके इंजन और चेसिस में कुछ छेड़छाड़ करते हुए उसको एक दूसरी किस्म का एक टू व्हीलर बना करके उस पर दूसरे नंबर को रख करके ये इस तरह से इसको बेचने का प्रयास करते थे और आर्थिक लाभ के दृष्टिकोण से ये सारा कृत करते थे। सिद्धार्थनगर में एकीकृत विकास योजना के अंतर्गत भारी घोटाला सामने आया। यहाँ भगवानपुर ब्लॉक के 10 ग्राम पंचायतों का चयन हुआ था, जिसमें 100 करोड़ रुपए अनुमोदित था, तो वहीं 40% अनुसूचित जाति के लोगों का ग्राम में होना अनिवार्य था। जिन गांवों का चयन हुआ है उसमें SC जाति के 10-20% लोग ही हैं, तो इसमें गलत आंकड़ा पेश कर यहां ऐसा किया गया, जिस पर अब DM से जांच की मांग की गई है। आपके माध्यम से मुझे अभी जानकारी हुई है इसकी और मैंने जैसा कि अफजान ने आज ही ज्वाइन किया है, तो मैं CDO साहब के माध्यम से अभी पूरी मैटर के बारे में पता करता हूँ कि क्या इशू है और इस पर जो भी कार्रवाई होगी वो तत्काल कराई जाएगी और इसमें सही जो चीज़ें वो कराई जाएगी। सिद्धार्थनगर के बढ़नी नगर पंचायत के हालात खस्ता हाल हैं, जिसमें अब हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता सुनील अग्रहरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यहाँ की पोल खोली, तो वहीं इसके लिए नगर पंचायत अध्यक्ष को जिम्मेदार ठहराया, तो साथ ही नगर में कई खामियों से लोगों को परेशान भी उन्होंने बताया। मुजफ्फरनगर में घटतौली की शिकायत पर पेट्रोल पंपों में जांच की गई तो दो पंपों पर कार्रवाई भी की गई। यहाँ भोपा रोड पर जहां अधिकारियों ने छापा मारकर इनको सील किया तो पंप संचालकों में हड़कंप मच गया। CEO मंडी थे और CEO ट्रैफिक थे और इसके अलावा हमारी पूरी टीम जो जिलाधिकारी महोदय के द्वारा गठित की गई है, इसके अंदर से हो सकी और सिक्किम स्टेट और DSO ये वगैरह सब थे, खुद देखा गया है और इसके लिए डिस्पेंसिंग यूनिट को खोल कर देखा गया, जो दो डिस्पेंसिंग यूनिट थे उनको डाउटफुल पाया गया है, उनको जो है सीज कर लिया गया है और एक जो चेक किया गया था वो उसको डाउटफुल नहीं पाया गया है, उसको छोड़ दिया गया है। बरेली के फतेहगंज पश्चिमी में लखनऊ से बिलासपुर जा रहे ट्रक में अचानक आग लग गई, तो चालक और क्लीनर ने कूदकर जान बचाई। बताते हैं कि ट्रक में लदे गत्ते में आग लग गई, जिसे दमकल ने यहां बमुश्किल काबू पाया। रुड़की के प्लान कलियर के बाजूडेही में देशी शराब के ठेकों को हटाने के लिए गांव की महिलाओं व ग्रामीणों ने यहां आगजनी की और हंगामा किया, तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शराब के ठेके पर आग बुझाई और मामले को शांत किया। यहां लोगों का कहना है कि ये ठेका नियम विरुद्ध है और यहां स्कूल और मंदिर पास पास हैं।
रुड़की के पिरान क्लियर में दो दिवसीय मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें राष्ट्रीय प्रचारक इंद्रेश कुमार ने शिरकत की तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। वहीं कार्यक्रम में ट्रिपल तलाक और गौहत्या और राम मंदिर मुद्दे पर चर्चा की गई। इसी के साथ मुस्लिमों के हितों को सुरक्षित करने की भी यहाँ चर्चा की गई। जाति और मजहब के रूप में विकास नहीं हो, सबका मिलकर 125 करोड़ एक साथ विकास करें। जो गरीब है, भूखा है, प्यासा है, अनपढ़ है, पिछड़ा है, वो ना रहे। भारत सरकार की जो विकास की नीतियां हैं और कार्यक्रम हैं, वो इनके पास पहुंचे और ये जन जन तक पहुंचाएं, ताकि एक अच्छी और बेहतर हिंदुस्तान बनाने के लिए इनकी जिंदगी अच्छी बने। रुड़की के कलियर में चल रहे मुस्लिम सम्मेलन में उस समय नया मोड़ आ गया जब बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता शादाब शम्स ने दो ईंटें भेंट की, जिसमें एक केसरिया रंग की तो एक हरे रंग की थी, जिसमें दोनों को राम मंदिर के लिए यहां भेंट किया गया। आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़।